अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा है कि अमेरिका ओवल ऑफिस में रियलिटी टीवी नहीं ला सकता। ओबामा ने कैलिफोर्निया में एक समारोह के दौरान कहा कि राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन शानदार राष्ट्रपति बनने के लिहाज से ट्रंप की तुलना में बेहद पढ़ी लिखी, अच्छी तरह तैयार, सही समझ वाली, कामकाज के आदर्शों का पालन करने वाली हैं, और फिर एक अन्य व्यक्ति ट्रंप हैं। मैं इस बात के विस्तार में नहीं जाने वाला कि ये व्यक्ति इस पद के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हर बार जब वो बात करते हैं आपको इस चीज का और भी सबूत मिल जाता है कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसे हम अमेरिका का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि ये एक व्यावसायिक तौर पर सूचना देने वाला या एक रियलिटी टीवी चैनल है और हम सच के प्रति बिना कोई निष्ठा रखे कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। बस कुछ भी मुद्दा उठा लो ताकि एक बिंदु पर हर चीज पर तनातनी हो जाए जिसका कोई भी मजबूत आधार नहीं होता, क्योंकि आप कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए 8 नवंबर को मतदान होने हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हिलेरी क्लिंटन के लिए खुद चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उठा रखी है।